मौसम कितना सुहाना है। और आज हमारे साथ आए हैं राहुल भाई साहब, जो कि हम मिलवाते हैं, जिनकी ये है स्विफ्ट 2014 मॉडल। तो आइए राहुल जी, ये मिलिए राहुल भाई साहब हैं। तो इनकी ये 2014 मॉडल है, और जो कि इनकी बहुत ही लक्की कार रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है मारुति की। लगभग ये इसको चला चुके हैं 1-1.5 लाख के करीब, 1.5-2 लाख। बहुत ही मस्त कंडीशन बना रखी है, देख लो आज। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये रैप वैप करवा रखी है, और ये वक्त पे ब्लैक करवा रखी है रूफ, और बाकी एलॉय वगैरह सारा कुछ है, एकदम मस्त बना रखा है। ये फ्रंट से कुछ इस तरह है, बाकी आपको दिखाता हूँ अभी अंदर चल के। बाकी भाइयों, आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो इग्नोर करना, क्योंकि यार फास्ट चल रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं आजकल। ये देखिए कितनी मस्त कंडीशन बना रखी है, एकदम मेंट कंडीशन बना रखी है। और देखिए जगह भी एकदम हमने मस्त चुनी है, देख रहे हो कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो चलिए और दिखाता हूँ अंदर से आप लोगों को। आवाज़ देखिए एकदम मस्त लाजवाब। देखिए ये लाइट है यहाँ पे, और ये बैक साइड है इसकी, बैक सीट, बाकी स्पेस भी काफ़ी है। बूफर ऊपर लगवा रखे, एकदम मस्त गाड़ी है। ये मिरर है, ठीक है, ये वाला देख लो। बाकी इधर ये देखो, ओए होए, बहुत तगड़ी सीढ़ी लगा रखी है। बाकी गियर नॉब कुछ इस तरह है इसका, और ये देख लो ग्लव बॉक्स, माल बहुत भर रहा है मतलब। और बाकी ये एसी वेंट हो गए, ये नॉर्मल VDI है, पहले VDI ऐसी आती थी, इस पर कोई भी वो नहीं है, डीजल है ये, ठीक है। बाकी इस तरह इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, बाकी इधर एक शीशा दे रखा है, ये अच्छी बात है। बाकी ये है इसमें, और बाकी ये देखिए इसका मीटर कुछ इस तरह है, देख लो 178-160 किलोमीटर चला रखे भाई साहब, जो कि एकदम लकी गाड़ी रही है इनकी। और ये इसका ऑडियो सिस्टम है कुछ इस तरह, ठीक है। चार्जिंग वाला जो गार्ड है, ये स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और ये यहाँ था वो टूट गया। तो देखिए और मिलवाते हैं भाई साहब से, जैसी बात होती है करवाते हैं। तो भाई साहब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? भाई साहब बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेरे पास इसके अलावा एक स्विफ्ट और मैंने ली है, लेकिन मैं कभी कभी इसे ले आता हूँ, क्योंकि जो भी इसमें आती है वो भी नई वाली स्विफ्ट में नहीं आती है। हाँ, तो अच्छा लगता है मुझे इसमें आना है, इसमें मैंने 7 साल गुजारे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और कंडीशन की बात है सर, ये तो अपने हाथ में है, मेंटेन रखना। वेरी गुड, आप जैसा रखोगे वैसा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कभी इसने धोखा नहीं दिया। हाँ, सबसे बड़ी बात, इतने लंबे टाइम में कहीं धोखा नहीं दिया। तेल हो या ना हो, तेल भी वहाँ खत्म होएगा जहाँ पेट्रोल पंप हो। तेल कभी खत्म ही नहीं हुआ सर, तेल खत्म ही नहीं। सच्चाई तो यही है। धन्यवाद। ठीक, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। बाय बाय, गुड बाय।